तौबा करें, माफी मांगे अपने गुनाहों पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा लेंगे हमारी तौबा। पिछली रात के अंदर एक वाकया पेश आया, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर चोर चोर के नारे लगे रोजे रसूल के सामने, शबाब शरीफ किया उम्रे पर, मदीनातुल मुनव्वरा उसने हाजिरी दी, वहां कुछ दहशतगर्द ही कह सकते हैं उनको, उन्होंने जोर जोर के नारे लगाए, ला तरफ अस्वात को फोकस हो तुम नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर के सहाबा को फरमाया था, ऐ सहाबा आप अलैहिस्सलाम व सलाम का रोजा करीब है, आप अलैहिस्सलाम व सलाम अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा दे। उस वक्त सहाबा इकराम के दरमियान कुछ आवाजें बुलंद हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाज़िल फरमा दी थी कि आपकी आवाज पैगंबर की आवाज से बुलंद ना हो। आज उस मदीने के अंदर जहाँ पैगंबर आराम फरमा है, वहां चोर चोर के नारे बहुत बुलंद आवाज से लगे, आप अलैहिस्सलाम के आराम के अंदर खलल पैदा हुआ है। ये शबाज शरीफ सियासी इख्तलाफ तो अपनी जगह है, वो पैगंबर का मेहमान बन कर गया था वहां। अगर हमारा मेहमान आ जाए कोई, हमारे मेहमान की कोई तौहीन करे तो हम बर्दाश्त करेंगे? यकीनन पैगंबर को वहां तकलीफ हो रही होगी, दुख हुआ होगा। पैगंबर के सहाबा को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था अपनी आवाज को पैगंबर की आवाज से पस्त रखें, लेकिन आज के कुछ लोगों ने मदीना का मदीनातुल मुनव्वरा का लिहाज एहतराम अदब नहीं किया, पैगंबर का अदब नहीं किया। सियासी इख्तलाफ पाकिस्तान के अंदर हो सकता था, बैर मत निकल आते मदीनातुल मुनव्वरा से, फिर नारे लगाते, लेकिन उन्होंने बहुत ही बुरा काम किया। हम इसकी मुजम्मत करते हैं इस काम की, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।